आज हम लोग शुरू करेंगे एक दूसरे टाइप का कंस्ट्रेंड मोशन, जिसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। अगर एक धागे से किसी बॉडी को बांध दिया जाए और बॉडी को मूव कराया जाए, तो धागे का लेंथ कांस्टेंट रहना यह एक कंस्ट्रेंट है। दो ब्लॉक को हम लोग जोड़ते हैं और धागे से जोड़ करके और एक ब्लॉक को खींचते हैं तो दूसरा भी खिंचाता है, क्योंकि धागे का लेंथ कांस्टेंट है। लेकिन अगर धागे के दूसरे छोर को स्थिर कर दें तब ब्लॉक का कैसा मोशन होगा, तो इसके लिए हम लोग एक सर्कल की कल्पना करते हैं। अगर कोई पॉइंट एक प्लेन में इस तरह से चले कि उसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट हो, तब उसके बिंदु पथ को या लोकस को सर्कल कहा जाता है। तो ये सर्कल का डिफिनीशन है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि एक नट है और ये लेंथ है, इस पॉइंट को फिक्स कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक थ्रेड का लेंथ कांस्टेंट हो गया। यह एक कांस्टेंट है, लेंथ इज कांस्टेंट, और इसको मूव करना है तो ये ऐसे देखिए ऐसे जाएगा, तो ये डिस्टेंस विल नॉट चेंज। तो सेंटर फिक्स हो गया और डिस्टेंस नहीं चेंज कर रहा है, तो ऐसे पाथ को हम लोग सर्कल बोलते हैं। इसलिए इसका जो भी पाथ होगा एक प्लेन में, अगर इसको ऐसे घुमाएं तो एक प्लेन में अगर ये घूमता है तो इसके मोशन को कहेंगे सर्कुलर मोशन। तो ये हम लोग एग्जाम्पल लेकर के सर्कुलर मोशन का आज स्टडी करेंगे। इसके दो पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन यहाँ तक के स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। और दूसरा पार्ट है जो ये बताता है कि सर्कुलर मोशन क्यों हो रहा है। तो जब कारण सहित मोशन का स्टडी करते हैं उसको कहते हैं डायनेमिक्स। तो जब सर्कल का हम लोग स्टडी करेंगे और उसमें कोई पार्टिकल चलेगा तो उसके वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि वेलोसिटी पाथ पर टेंजेंट होता है, और जैसे ही वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन का उदय होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और जैसे ही मोशन एक्सेलरेटेड होगा, पार्टिकल में मास है तो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट नेट फोर्स के इक्वल होगा, जो न्यूटन का सेकेंड लॉ बताता है। तो इस तरह से जब सर्कुलर मोशन आएगा तो उसके अंदर फोर्स की एंट्री हो जाएगी। यानी पार्टिकल को सर्कल में चलाने के लिए एक फोर्स चाहिए ही चाहिए, बिना फोर्स को सर्कल में चलेगा ही नहीं। क्योंकि फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई फोर्स नहीं लगे, नेट फोर्स जीरो हो, तो पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट होगा। यहाँ पर पाथ कर्व्ड हो रहा है, सर्कुलर मोशन इज ए कर्व्ड मोशन, तो इसलिए देयर मस्ट बी एक्टिंग सम फोर्स। तो उसका हम लोग स्टडी करते हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, उस चैप्टर में स्टडी करते हैं। तीसरा भाग इसका स्टडी करते हैं वर्क पावर एनर्जी के साथ, कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है वर्टिकल प्लेन में तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ चेंज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहा है, वो सब चीज़ भी वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल दो ही चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एंड डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हम लोग सर्कल की बात करने हैं। मान लें कि ये पॉइंट है जो फिक्स्ड है और यहाँ से इतने डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं, ये डिस्टेंस फिक्स्ड है तो ये लेंथ कॉन्स्टेंट होना, मान लो कि ये थ्रेड है तो थ्रेड का लेंथ कॉन्स्टेंट है, यह एक कंस्ट्रेंट हो गया। तो इसलिए सर्कुलर मोशन कंस्ट्रेंट मोशन है। ये पॉइंट यहाँ से चलना चाहिए लेकिन डिस्टेंस नहीं बदलना चाहिए। ऐसे मान लीजिए हम चलाते हैं तो डिस्टेंस इसका चेंज नहीं करना चाहिए। पूरा भी सर्कल हो सकता है या कुछ पार्ट भी हो सकता है। ये मान लीजिए पूरा सर्कल है, ये इसका पार्ट है। यहाँ से जैसे ही ये चलेगा एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट और इसमें टाइम लगेगा तो वेलोसिटी डिफाइन हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंट टू पाथ हो जाएगी, ये वेलोसिटी हो जाएगी। और ये इसका सेंटर पर अगर ओरिजिन मान लें तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी दोनों के बीच का एंगल आप देख सकते हैं, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इसलिए पार्टिकल अगर सर्कल में चलेगा तो उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट की ओर होगा,
और सेंटर से जो आने वाला रेडियल लाइन है उस रेडियल लाइन पर वह वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो, जिस प्लेन में पार्टिकल चल रहा है उसी प्लेन में वेलोसिटी लाई करेगा, उसी प्लेन में रेडियल लाइन लाई कर रहा है। तो आर और वी एक ही प्लेन में है, सेंटर को ओरिजिन मानकर ऐसे हम लोग पोजिशन वेक्टर ड्रॉ करें तो आर और वी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर पाथ कंप्लीट सर्कल होना जरूरी नहीं, जितनी देर वो सर्कल में चलेगा उतनी ही देर सर्कुलर मोशन करता हुआ मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कार है और ऐसे जा रही है और सड़क जो है घूम रही है, तो जैसे ही सड़क घूमेगी उसका डायरेक्शन चेंज करेगा, तो कार अगर उतनी ही देर सर्कल में जाए तो उस आर्क ऑफ सर्कल के जो मोशन को कहेंगे सर्कुलर मोशन। आर्क में जितनी देर घुमा उतनी देर सर्कुलर मोशन हुआ, उसके बाद फिर सीधी सड़क पर जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। तो पूरे मोशन को सर्कुलर नहीं कहेंगे, जितनी देर तक वो सर्कल में जा रहा है उतनी ही देर तक उसका मोशन सर्कुलर है। और उसी समय हम लोग एक इमेजिन करते हैं कि एक सर्कल गुजर रहा है उसके पास से और उसके सेंटर पर हम लोग ओरिजिन मानकर इसको ज्वाइन कर देंगे, ये आर हो जाएगा, ये वी हो जाएगा, ये राइट एंगल पर है। दिस इज द वेक्टर डायग्राम फॉर पार्टिकल मोशन। सो इस सर्कल का डिफिनेशन हो जाएगा कि इफ अ पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन, ये इंपॉर्टेंट है, प्लेन में पॉइंट को मूव करता है इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट डज नॉट चेंज इट्स पाथ इज कॉल्ड सर्कल। पाथ के लिए लोकस भी वर्ड होता है, लोकस इज कॉल्ड सर्कल। और जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर मान लीजिए कि सी है, तो सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यही फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है जो कि चेंज नहीं करा है, डिस्टेंस नॉट वेक्टर, इट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा सेम रह रहा है, यहाँ से यहाँ आया तो उतना ही डिस्टेंस है, जितना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है उतना ही यहाँ से डिस्टेंस है, सेंटर से इसका डिस्टेंस फिक्स्ड है। तो इस फिक्स्ड डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। सेंटर और रेडियस दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, अगर सेंटर वही रहे रेडियस बड़ा कर दे तो सर्कल दूसरा हो जाएगा, और रेडियस वही रहे या सेंटर बदल दे तभी सर्कल दूसरे जगह चला जाएगा। तो इस तरह से ये व्हाट इज ए सर्कल इसका डिफिनेशन होगा। अब इससे आप जान रहे हैं कि सर्कुलर मोशन एक प्लेन में होगा, तो ये बताता है कि मोशन इज टू डायमेंशनल, टू वेरिएबल्स आर नीडेड, एक्स और वाई हम लोग यूज करते हैं। अगर प्लेन में मोशन होता है तो एक्स वाई यूज करते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में करते हैं एक्स वाई, लेकिन यहाँ पर सर्कल का जो मोशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं जो सुविधाजनक होता है, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर रेडी विथ टू कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। यहाँ पर देखिए ये एक पार्टिकल है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से एक प्लेन बनता है, इस प्लेन को बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। इस पार्टिकल तक पहुँचने के लिए आप एक्स एक्सिस पर जितना डिस्टेंस चलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में तो वो एक्स है, निगेटिव में जाएंगे तो एक्स का मान निगेटिव हो जाएगा, फिर वाई के पैरेलल चलते हैं और पी पर पहुंच जाते हैं। पी को लोकेट करने के लिए दो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की जरूरत पड़ती है। एक्स और वाई को कहा जाता है
कार्टीजियन कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। एक्स वाई को क्या कहते हैं? कार्टीजियन कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। अगर पार्टिकल चलता है तो इन कोऑर्डिनेट्स में चेंज आता है। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है आई और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे। तो जब पार्टिकल चलेगा तो आई बदलेगा या नहीं, या जे बदलेगा या नहीं? मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया तो आई का डायरेक्शन वही है कि एक्स एक्सिस की ओर ये है और जे का भी वाई की ओर ही है, इसलिए पार्टिकल चले या स्थिर रहे उससे इस यूनिट वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये स्पेशलिटी हो गया कि आई एंड जे आर फिक्स्ड यूनिट वेक्टर्स, ये कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है। इसलिए अगर कोई पार्टिकल चलता है तो केवल कोऑर्डिनेट्स उसके बदलते हैं इस सिस्टम में और यूनिट वेक्टर्स हमेशा फिक्स रहते हैं। अब एक दूसरा मेथड है पी तक पहुंचने का कि हम लोग एक लाइन लेते हैं जो यहाँ से थीटा एंगल पर रोटेटेड है और उस लाइन में यहाँ से आर डिस्टेंस तक जाते हैं तभी पी तक पहुंच सकते हैं। एक ऐसा लाइन ले जो ओरिजिन से स्टार्ट हो और पी तक जाए और वह लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाए तो आप पी तक पहुंचने के लिए थीटा और आर यही दो वेरिएबल का यूज करके पहुंच सकते हैं। तो इस केस में भी दो ही वेरिएबल था और थीटा और आर बताते हैं तभी हमारे पास दो ही वेरिएबल होता है आर कॉमा थीटा। तो ये जो आर और थीटा वेरिएबल्स हैं इनको डिफाइन किया गया इस तरह से कि एक्स एक्सिस से पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला लाइन जितना एंगल बना रहा है वो थीटा है। इधर जाने पर थीटा पॉजिटिव होगा और इधर आएंगे तो थीटा निगेटिव होगा, थीटा अलजेब्रिक है। तो ऐसे जाकर के ऐसे घूम के कई राउंड भी लगा सकते हैं। और आर जो है वो डिस्टेंस है, ये वेक्टर नहीं है, डिस्टेंस स्केलर है, पॉजिटिव स्केलर है क्योंकि आर ओरिजिन से डिस्टेंस है। तो ये हमेशा पॉजिटिव या जीरो हो सकता है। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और आर का वैल्यू कहीं तक भी आप ले सकते हैं तो डिस्टेंस कैन बी अप टू इन्फिनिटी और थीटा का वैल्यू जीरो से लेकर के और हम लोग कितना भी राउंड लगा लें तो थीटा इज एंगल ऑफ पोजिशन वेक्टर विथ एक्स एक्सिस के साथ पोजिशन वेक्टर आर का ये एंगल थीटा है। थीटा को यहाँ पर कहा जाता है पोलर एंगल, इस ओरिजिन को पोल कहा जाता है और इसको बोलते हैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। ये दोनों कोऑर्डिनेट कहलाते हैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब इन कोऑर्डिनेट्स के बढ़ने के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर डिफाइन होता है। यहाँ भी वही सिस्टम लगा था, एक्स के बढ़ने के डायरेक्शन में आई, इधर जाने से एक्स बढ़ता है, उसी तरह से वाई के बढ़ने के डायरेक्शन में जे है, वो यहाँ भी वेक्टर है। हम लोग प्रेजेंट मानते हैं कि अगर यहाँ से चले इधर जाने से एक्स बढ़ता है तो आई यहीं से ऐसे डायरेक्टेड है और इसी पॉइंट से ऐसे जाने से वाई बढ़ता है तो जे उधर डायरेक्टेड है। तो ये इंक्रीजिंग एक्स और इंक्रीजिंग वाई की ओर यूनिट वेक्टर्स डिफाइन होते हैं। उसी लॉजिक को यहाँ भी लगाएंगे तो इंक्रीजिंग आर की ओर एक यूनिट वेक्टर डिफाइन होगा। ये आर वेक्टर है, अगर थोड़ा भी इस लाइन को हिलाए डुलाए रही तो थीटा कॉन्स्टेंट होगा और आर बढ़ेगा ऐसे। तो थीटा फिक्स रख करके और आर को बढ़ाएं वो इंक्रीजिंग आर का डायरेक्शन है। उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं जिसको हमने लिखा है आर हैट। ये हैट या कैप पढ़ा जाता है, आर कैप या आर हैट। जैसे ये आई कैप था, जे कैप था, कैप यूनिट वेक्टर्स के लिए यूजुअली हम लोग यूज करते हैं और यूजुअल वेक्टर है तो उसमें एरो हेड यूज करते हैं
और जब कैप रहेगा तो इसका मतलब है कि वो यूनिट वेक्टर का सिंबल है। तो यहाँ पर आर कैप का मतलब हो गया कि आर के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, थीटा के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, ऐसे थीटा है तो ऐसे आर के परपेंडिकुलर जाने से ये बढ़ेगा, और चूंकि बहुत छोटा डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जाने से थीटा बढ़ेगा, तो थीटा कैप का ये यूनिट वेक्टर हो गया इंक्रीजिंग थीटा के डायरेक्शन में। तो दो यूनिट वेक्टर हो गया आर कैप और थीटा कैप। अब सोचिए कि पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ चला जाए या यहाँ चला जाए, या मान लीजिए कि यहाँ आ गया, तो अब आर कैप का वही डायरेक्शन होगा या बदल जाएगा। अब आर ये हो गया, यहाँ से ये आर नया आर हो गया, तो इसमें ऐसे अब आर कैप हो जाएगा, नया वेक्टर हो गया, और यहाँ से थीटा बदल गया तो थीटा कैप अब ऐसे हो गया, ये भी नया वेक्टर। इस सिस्टम में डिफिकल्टी यही हो रही है कि यूनिट वेक्टर्स आर चेंजिंग, आर कैप एंड थीटा कैप आर यूनिट वेक्टर्स, आर कैप इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड वन, तो आर कैप का मॉड लीजिएगा तो वन आएगा, इसका मॉड वन आएगा, इसका भी मॉड वन आएगा, जैसे इसका मॉड वन आता है, आई कैप का मॉड वन, जे कैप का मॉड वन। लेकिन पार्टिकल कहीं भी चला जाए आई कैप जे कैप नहीं बदलते हैं, दे आर कॉन्स्टेंट यूनिट वेक्टर्स, लेकिन इसका पार्टिकल के इधर उधर जाने पर इसका जो है डायरेक्शन चेंज करता है। यूनिट वेक्टर कैन चेंज बट ओनली इन डायरेक्शन, बाय डेफिनेशन इसका मैग्नीट्यूड हरदम वन ही रहेगा। तो यहाँ पर पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ आ गया तो आप देखते हैं कि यूनिट वेक्टर चेंज कर गया, इसलिए आर जो है और थीटा कैप दे आर वेरिएबल यूनिट वेक्टर्स। और इनके हेड और टेल कहाँ रहेंगे, तो जहां पार्टिकल रहेगा वहीं पर इनके हेड और टेल रहेंगे, जहां पार्टिकल रहेगा वहीं पर टेल रहेंगे, तो ये आर टेल्स एट द पार्टिकल, दोनों के टेल पार्टिकल पर रहेंगे, यहाँ भी टेल पार्टिकल पर रहता है लेकिन ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहने के कारण यहाँ भी हम लोग अगर आई खींचेंगे तो इधर आई होगा इधर जे होगा, लेकिन वो आई इस आई के ही इक्वल होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर्स आर इक्वल, इसलिए हम लोग कहते हैं कि आई एंड जे आर कॉन्स्टेंट यूनिट वेक्टर्स, वेयर एज आर कैप एंड थीटा कैप आर वेरिएबल यूनिट वेक्टर्स। आर कैप को बोलते हैं रेडियल यूनिट वेक्टर, आर कैप इज रेडियल यूनिट वेक्टर, एंड थीटा कैप क्या है, तो ये एंगल के बढ़ते हुए डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। इसको यूजुअली हम लोग देख रहे हैं कि थीटा कैप इज नॉर्मल टू आर कैप, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर। दिस इज नॉर्मल टू थीटा कैप, या ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर, ट्रांसवर्स और नॉर्मल यूनिट वेक्टर थीटा कैप, या पोलर यूनिट वेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट कहलाता है, ये रेडियल कोऑर्डिनेट कहलाता है, तो ये दोनों मिला करके प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा है। अब सर्कुलर मोशन में रेडियस कांस्टेंट रहता है, तो इसीलिए एक वेक्टर आपका ये कांस्टेंट हो जाएगा और केवल थीटा चेंज करेगा, तब उस हालत में थीटा के टर्म में मोशन को डिस्क्राइब करना इजी होता है। इसलिए हम लोग सर्कुलर मोशन के लिए ज़्यादा सुटेबल इसको पाते हैं, ऐसे दोनों में कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरेटिकली बोथ आर अलाउड, लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट हम लोग पाते हैं कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर यूज करेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। आर कैप और थीटा कैप के टर्म में सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें उनके रेट ऑफ चेंज की ज़रूरत पड़ती है, तो
तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे, आर कैप और थीटा कैप को आई और जे के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास देखिए आर कैप ये वेक्टर है और ये इससे थीटा एंगल बना रहा है, एक्स से इसका एंगल थीटा है और यहाँ पर वाई के साथ इसका एंगल थीटा है। ज्योमेट्री से हम देख सकते हैं ये थीटा है, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये और ये कोण बराबर होगा। उसी तरह से ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और इससे आपका ये एंगल 90 डिग्री है तो ये थीटा हो जाएगा। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि आर कैप एक्स के साथ थीटा बना रहा है और थीटा कैप वाई के साथ, ये वाई के पैरेलल है तो वाई के साथ ये थीटा कैप थीटा एंगल बना रहा है, थीटा कैप थीटा एंगल बना रहा है और आर कैप थीटा एंगल बना रहा है एक्स के साथ। तो आर कैप का अगर हम लोग एक्स कंपोनेंट लेंगे तो वो सिंपली कॉस थीटा होगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 ले सकते हैं 1 आई, और वाई कंपोनेंट लेंगे तो 1 साइन थीटा और उसका डायरेक्शन जे की ओर है। इस तरह से ये कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे आर कैप का ये एक्सप्रेशन हो गया। नाउ वी राइट थीटा कैप। थीटा कैप का अगर आप कंपोनेंट लेंगे वाई के तरफ तो कॉस थीटा आएगा और इधर की तरफ आएगा साइन थीटा, यानी एक्स की तरफ माइनस में आ जाएगा। ये ऐसे वेक्टर है और इधर एंगल थीटा बन रहा है तो इसका अगर आप इधर कंपोनेंट लेंगे तो इसका कॉस आएगा और इधर लेंगे तो साइन आएगा, लेकिन हमें एक्स की तरफ लेना है तो उसमें माइनस लगा देंगे तो एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। दूसरा भी तरीका कर सकते हैं कि एस से एक्स से एंगल ले लें तो यहाँ से यहाँ एंगल पाई बाई टू प्लस थीटा। वैसे भी कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड हो गया वन और एंगल विथ एक्स एक्सिस इज पाई बाई टू प्लस थीटा, आई कंपोनेंट हो गया एक्स कंपोनेंट एंड वन साइन एंगल विथ एक्स एक्सिस। अब इसको आप देख रहे हैं कि माइनस साइन थीटा और वो वाला जो है वो कॉस थीटा, ट्रिगोनोमेट्री से ये रिजल्ट आ गया। तो वी हैव रिजॉल्व आर कैप एंड थीटा कैप अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस एंड यूज यूनिट वेक्टर्स आई एंड जेड टू एक्सप्रेस देम इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करें टाइम के साथ, पार्टिकल अगर चलेगा तो ये टर्न करेगा तो उस हालत में इसका मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा लेकिन डायरेक्शन बदलेगा, तो इसका हम लोग चेंज निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज आर कैप एंड थीटा कैप। तो रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, डी बाई डी टी करते हैं, तो इस साइड में डी बाई डी टी करेंगे तो इस साइड में भी डी बाई डी टी होगा, लेकिन ये थीटा का फंक्शन है इसलिए यहाँ चेन रूल लगाना पड़ेगा और आई और जे कॉन्स्टेंट हैं इसलिए ये डिफरेंशिएशन से बाहर रहेंगे। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर थीटा का टी के रेस्पेक्ट में, डी आर कैप बाई डी टी दिस विल बी d by dt of cos theta i cap plus d by dt of sin theta j cap। अब ये चूंकि थीटा का फंक्शन है तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, जो वेरिएबल यहाँ डाला उसको फिर इधर लाके रखते हैं, दिस इज कॉल्ड चेन रूल, इसका चेन बन गया आई जब कहते हो। फिर इसी तरह से यहाँ भी डी बाई डी थीटा साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी जे। अब आप देखिए डी बाई डी थीटा बाई डी टी दोनों जगह कॉमन है और इसका डिफरेंशिएशन कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, और मान लो कि ये जो d थीटा बाई डी टी है इसको कॉमन ले लिया, अंदर में यहाँ पर आई रह गया, ये साइन का कॉस, दिस इज कॉस थीटा जे।
तो dr f by dt is minus sin theta I plus cos theta j d theta by dt. Now d theta by dt क्या है? तो अगर आप देखिए r को फिक्स रखें तो छोटे से समय में चेंज होगा ऐसे d theta, ये घूमने से इसके बनेगा. तो एंगल चेंज करने के रेट को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं. इसलिए d थीटा बाय dt है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टर्निंग अबाउट. यहाँ पर कोई एक्सिस ले लें तो उस एक्सिस के अबाउट टर्न करने का ये एंगुलर वेलोसिटी है. इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. अब मान लो कि यहाँ आउटवर्ड एक्सिस का नाम z रख दें तो इसको कह सकते हैं कि d थीटा बाय dt z एक्सिस के अबाउट टर्न करने का एंगुलर वेलोसिटी है. नाउ d theta by dt is called angular velocity. Angular velocity of p about z axis या axis through normal axis through origin. Origin को अगर o लिख दें तो about o axis लिख सकते हैं. O से जो एक्सिस गुजरेगा जो कि जेड एक्सिस है यहाँ पर, तो उसके अबाउट टर्न करने का इसका सिंबल हम लोग देते हैं ओमेगा. और एक्सिस का भी यहाँ पर नाम ले लेते हैं कि जेड के अबाउट टर्न करने का ये एंगुलर वेलोसिटी है. अब ये जब इंट्रोड्यूस करेंगे तब यहाँ पर इसको और छोटा कर सकते हैं. अब यहाँ से देखिए इक्वेशन टू में ये चीज़ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको थीटा कैप और इसको ओमेगा जेड लिख दें तो ये सिंप्लीफाइड रिलेशन हो गया. दिस इज थर्ड रिलेशन. तो यार थीटा कैप इज दिस वेक्टर दिस वैल्यू डी थीटा बाय डी. थीटा घटेगा तो ये निगेटिव होगा, थीटा बढ़ेगा टाइम के साथ तो ये पॉजिटिव होगा. इसी तरह से थीटा कैप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डी थीटा कैप बाय डी टी. तो इसमें आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा का डेरिवेटिव लेना होगा, इसकी जगह साइन लिखना होगा माइनस के साथ, इसकी जगह कॉस लिखना होगा. तो ये इसी के उल्टा आएगा क्योंकि तो साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है. और ओमेगा जेड इसी तरह से कॉमन आएगा. यहाँ पर आप देखेंगे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कॉस थीटा ये आई, और इसका डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और जे. अब इसको पहचाने, इसको यहाँ से देखें इक्वेशन वन में यही चीज़ है, केवल माइनस लगा हुआ है. उस माइनस को अगर इस पार कर दें तो सब प्लस हो जाएगा. तो ये माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये आर कैप हो जाएगा. सो इट इज माइनस ओमेगा जेड आर कैप. दिस इज फोर्थ रिलेशन. तो दीज आर फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन यूनिट वेक्टर्स एंड देयर रेट ऑफ चेंज. क्योंकि आई और जे आर फिक्स्ड यूनिट वेक्टर, उनका डिवाइडिटी जीरो होगा, लेकिन आर कैप और थीटा कैप आर नॉट फिक्स्ड यूनिट वेक्टर्स. जैसे जैसे पार्टिकल चलेगा इनका डायरेक्शन बदल सकता है, अगर नहीं बदलेगा तो ये जीरो आएंगे. अगर मान लीजिए कि आर कैप को नहीं बदलना है तो नहीं कब बदलेगा, जब आर कैप सेम डायरेक्शन में रहे तभी नहीं बदलेगा. तो पार्टिकल अगर यहाँ से ओरिजिन से केवल दूर जाता जाए तो थीटा नहीं बदलेगा. तो डी थीटा बाई डी टी जीरो होगा तो ओमेगा जेड जीरो हो जाएगा. तो जीरो होगा तो ये ऑटोमेटिक कांस्टेंट हो जाएगा. थीटा कैप कब नहीं चेंज करेगा, तो इसके लिए यहाँ देखिए डी थीटा कैप बाई डी टी इसको जीरो आना चाहिए. थीटा कैप कॉन्स्टेंट हो तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है. अब आर एच एस देखिए ये जीरो नहीं है इसलिए ये जीरो होगा, यानी ओमेगा जेड जीरो होगा. तो ये जीरो होगा यानी थीटा कांस्टेंट होगा. तो थीटा जब फिक्स्ड रहेगा तो थीटा कैप भी फिक्स्ड रहेगा. तो थीटा कैप फिक्स्ड कब रहेगा, जब ये इसी लाइन पर जाए. तो इसका अर्थ हुआ कि आर कैप जब फिक्स्ड हो जाएगा तो थीटा कैप भी फिक्स्ड हो जाएगा, दोनों एक ही साथ फिक्स्ड होंगे. ये नहीं होगा कि एक बदल रहा है तो दूसरा कॉन्स्टेंट हो गया. इसलिए जब बदलना होगा तो दोनों बदलेंगे और नहीं बदलना होगा तो दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे.
दिस इज स्पेशलिटी अबाउट आर कैप एंड थीटा कैप यूनिट वेक्टर्स। यहाँ पर एक पार्टिकल पी है और टी टाइम पर ये पार्टिकल यहाँ पर है, इसकी वेलोसिटी टेंजेंट टू पाथ है और ये रेडियल लाइन है। वी का एक्स के साथ, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स के साथ इसका एंगल यहाँ से देख सकते हैं, ये रेडियल लाइन का एंगल थीटा है और रेडियस पर वेलोसिटी नॉर्मल होता है तो ये पाई बाई टू है। तो एक्स के साथ इसका एंगल हो जाएगा वी का, वी वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वी एंड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन इज अलॉन्ग थीटा कैप। देखिए नॉर्मल है इसलिए ये थीटा कैप की ओर है, ये आर कैप है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन थीटा कैप के डायरेक्शन में है। अब इसका अगर रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो वो एक्सेलरेशन कहलाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वी का रेट ऑफ चेंज डीवी बाई डीटी हो गया। तो वी की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डीटी ऑफ वी थीटा कैप। अब यहां पर देखिए ये भी स्पीड है और ये इसका डायरेक्शन है, तो दोनों यहाँ पर फंक्शन ऑफ टी हो सकते हैं। ऐसे पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चले तो वी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेरिएबल स्पीड से चले तो वी चेंज करेगा। थीटा का क्या होगा, थीटा कैप इट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल, तो ऐसे जाने से आर मुड़ रहा है तो थीटा कैप भी मुड़ेगा। तो इस हालत में आप लिख सकते हैं कि थीटा कैप वेरिएबल है, इसलिए यहाँ दो टर्म यूज कर सकते हैं। ये कैलकुलस का यूजी मेथड होता है कि अगर दो चीज़ का प्रोडक्ट रहे तो डेरिवेटिव लेना है, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसका वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, तो इसका वैल्यू है माइनस ओमेगा जेड आर कैप। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट है, एक थीटा कैप के डायरेक्शन में है जो स्पीड के बदलने या नहीं बदलने से तय होगा, और दूसरा कंपोनेंट ओमेगा ओमेगा जेड इंटू वी है जिसका डायरेक्शन माइनस आर कैप के डायरेक्शन में है। तो दिस कंपोनेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस कंपोनेंट इज डायरेक्टेड अलोंग टेंजेंट ऑफ द सर्कल। इसलिए एक्सेलरेशन का इन जनरल दो कंपोनेंट है, एक टेंजेंट की ओर और दूसरा सेंटर की ओर। तो हम लोग इस सर्कुलर मोशन को यहाँ से दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक पार्ट कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरे को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले लिख लेते हैं कि एक्सेलरेशन हैज टू कंपोनेंट्स, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन हैज, यहां लिखते हैं इन जनरल, पर्टिकुलर केस में अलग होगा, लेकिन इन जनरल टू कंपोनेंट्स, कंपोनेंट along tangent and component towards center, ये वाला जो component है थीटा कैप के डायरेक्शन में, और थीटा कैप भी के डायरेक्शन में है क्योंकि वो रेडियल लाइन पर नॉर्मल है और उधर ही वेलोसिटी है, तो जिधर वेलोसिटी है उधर ही ये कंपोनेंट है,
और माइनस आर का मतलब हुआ कि रेडियली इनवर्ड, क्योंकि आर कैप ऐसे है उसमें माइनस लगा दिए तो इधर हो गया और उसका वैल्यू हो गया ओमेगा वीजेड। तो ये सेंटर की ओर जो कंपोनेंट है उसका वैल्यू हो गया ओमेगा जेड वी, और जो टेंजेंट की ओर कंपोनेंट है उसका वैल्यू हो गया डी वी बाई डी टी। कॉम्पोनेंट्स में यूनिट वैक्टर छोड़ के बोलते हैं, तो थीटा कैप को छोड़ दीजिए तो ये कॉम्पोनेंट हुआ, और आर कैप को छोड़ दीजिए तो रेडियल कंपोनेंट होगा ये माइनस के साथ, और सेंटर की ओर कंपोनेंट होगा माइनस इसके साथ रहेगा तब, तो रेडियली इनवर्ड हो गया ये। और अगर आर कैप का कोफिशिएंट लेंगे तो रेडियली आउटवर्ड कंपोनेंट कहलाएगा जो निगेटिव आएगा। ए टी इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, पी फॉर टेंजेंशियल, and it is dv by dt, rate of change of speed, rate of change of speed is called tangential acceleration। ये अगर speed बढ़ता है तो positive आएगा और speed घटता है तो negative आएगा, तो इसका जो sign है वो plus भी हो सकता है minus भी हो सकता है, और अगर स्पीड न बढ़ता है न घटता है तब उस हालत में इसका वैल्यू जीरो आएगा। अब जीरो जब आएगा तब उसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा जो कंपोनेंट था उसको सिंबल देते हैं एसी, सेंटर की ओर जो सी को मान लेते हैं सेंटर, और सेंटर की ओर जो डायरेक्टेड एक्सेलरेशन है उसी को हम लोग लिख रहे हैं, तो उसका वैल्यू है ओमेगा जेड वी, और चूंकि हम लोग डायरेक्शन ले लिए हैं तो ये मैग्नीट्यूड ही है, तो यहाँ पर सिंपली ओमेगा भी लिख सकते हैं ओमेगा वी। ओमेगा में भी पॉजिटिव और निगेटिव, और अगर जेड लिखेंगे तो इसका मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, तो यहाँ मॉड लगाएंगे तो ये हमेशा सेंटर की ओर ही डायरेक्टेड होता है, तो इसीलिए ये हो जाएगा ओमेगा जेड वी। And it may also be written in other forms, vj omega z और v के बीच relation अगर हम लोग लिखते हैं तो इसको other forms में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बहुत छोटे समय के लिए आगे बढ़े तो ये dt distance चलेगा, dt time में v dt distance चलेगा, और उसको यहाँ से join करें तो ये d theta angle turn करेगा, तो ये arc हो जाएगा छोटा सा, arc will be v dt and radius will be r and angle turned will be d theta। So radian में अगर ये angle हो radian, तो radian measure का definition होता है कि arc by radius is equal to angle। So arc by radius equal to angle, तो इसको अगर use करें तो ये हो जाएगा v dt by r equal to omega, तो यहाँ से omega dt और d theta जो है वो omega dt, sorry d theta by dt omega है, तो ठीक है इसको आप omega dt लिख सकते हैं, तो यहाँ पर dt dt दोनों तरफ से हट गया और omega की वैल्यू आ गई v by r। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहे या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, दोनों हालत में ओमेगा और वी में ये रिलेशन है, तो आप इसको अगर यहाँ यूज करते हैं तो ये वी स्क्वायर अपॉन आर है। सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट दिस कैन बी निगेटिव और पॉजिटिव, दिस इज नेवर निगेटिव। वी अगर जीरो हो तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन कभी निगेटिव नहीं हो, और ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो इस तरह से पार्टिकल के पास दो टाइप के एक्सेलरेशन हो गए इन जनरल। इन पर्टिकुलर अगर हम लोग इसको जीरो कर दें तब वी विल नॉट चेंज, तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जीरो नहीं हो तब दो पॉसिबिलिटी है, तो दोनों में अगर पॉजिटिव आया तो स्पीड इंक्रीज करता है, स्पीड इंक्रीजेस,
और अगर निगेटिव आया तो स्पीड डिक्रीजेस। इन दोनों को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दो टाइप के सर्कुलर मोशन हो गए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज दैट इन विच द स्पीड ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज। और अदरवाइज द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। तो जब स्पीड नहीं चेंज करेगा देन एक्सेलरेशन वेक्टर जो लिखे थे उसमें एक ही टर्म रह जाएगा और वो होगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर आर कैप। सो ओनली एक्सेलरेशन प्रेजेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ओनली सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। सेंट्रीपेटल वर्ड न्यूटन ने दिया था, इसके लिए एक वर्ड दिया था न्यूटन ने सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल का मीनिंग होता है सीकिंग ए सेंटर, सेंटर खोजने वाला। तो सेंटर को खोज रहा है यानी सेंटर की ओर डायरेक्टेड है, इसलिए एसी को कहा जाता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए कोई खास नाम नहीं है, उसको टेंजेंशियल या ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कह सकते हैं, लेकिन सेंट्रीपेटल का हरदम यही नाम होता है। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का वैल्यू जब लिखेंगे तो साइन हटा देंगे, इट विल बी जस्ट वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि इसमें साइन छिप गया कि सेंटर की ओर एक्सेलरेशन है। इसमें कहता है कि आर का कोफिशियंट निगेटिव है, ये डायरेक्शन बता रहा है, तो इस माइनस साइन को आप यहाँ से यहाँ भी ऐसे ले सकते हैं कि दिस इज द यूनिट वेक्टर टू आर सेंटर एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो टोटल एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपेटल ओनली इफ द सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्म। If the circular motion is not uniform, then it is called non-uniform circular motion. In that case, we must be expressing both the acceleration to describe the complete acceleration. Circular motion has two types, uniform and non-uniform. Non-uniform वो है जिसमें speed is not constant. और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वह है जिसमें स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड जब कांस्टेंट नहीं रहेगा तब इस हालत में स्पीड या तो बढ़ेगा या घटेगा, तब उस हालत में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। डीवी बाई डी टी इज नॉट जीरो, लेकिन जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा तो दिस विल बी जीरो। डीवी बाई डी टी इज जीरो, इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी कहते हैं। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन दोनों में एक ही होता है, इसमें भी वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा भी लिख सकते हैं, और इसमें भी वही लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर ओमेगा भी। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन दोनों का रिजल्टेंट लिया जाए तब उसको लिखेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। दिस इज अंडर रूट स्क्वायर ऑफ दिस टू कंपोनेंट्स, और इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इतना ही रह जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। इस केस में आपको डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, तो ये डायरेक्शन जो है वो एसी और एटी के टर्म में दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम शो करें सर्कल में शो करें इसको,
ये मान लो कि रेडियल लाइन है और ये एटी है टेंजेंट की ओर, और ये एसी है सेंटर की ओर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये सर्कल पर आना जरूरी नहीं है, कहीं भी आ सकता है, तो दोनों का रिजल्टेंट लिया जाए तो ये होगा ए। तो ये फिगर तब बनेगा जब आपका मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म, वी इज नॉट कॉन्स्टेंट, स्पीड इज नॉट कॉन्स्टेंट, देन देयर आर टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, वन इज अलोंग वेलोसिटी एंड द अदर इज अलोंग सेंटर, सेंटर की ओर एसी है और वेलोसिटी की ओर एटी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो एटी पॉजिटिव होगा तो इधर खींचेंगे और निगेटिव होगा तो इधर खींचेंगे। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि एटी इज पॉजिटिव तो ये इस साइड में आएगा, अगर आप मानते हैं कि एटी निगेटिव है तो वेलोसिटी अगर ऐसे है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निगेटिव रहने पर इधर आएगा और सेंटर वाला तो उधर ही रहेगा, लेकिन रिजल्टेंट चेंज कर जाएगा, रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर यहाँ भी, लेकिन इस केस में रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। तो ए इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑलवेज। And in this case, A is not directed towards center in general. In particular, when tangential acceleration has zero value at some moment, in that case, it may be directed towards center, but in general, it is not directed towards center. तो यहाँ पर जो ये वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन का एंगल बनता है, इसके लिए हम लोग डायरेक्शन का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि tan phi लिखेंगे तो इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर और ये बेस का काम करेगा, परपेंडिकुलर एसी हो गया और बेस हो गया एटी, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हमेशा पॉजिटिव है ऊपर वाला, लेकिन ये प्लस और माइनस हो सकता है, तो इसके अनुसार फाई का वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ पर फाई देख रहे हैं आप, ये फाई 90 डिग्री से बड़ा है, तो यहाँ पर एटी निगेटिव है, एटी निगेटिव होगा, फाई इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और इस केस में एटी पॉजिटिव है देन फाई इज लेस देन 90 डिग्री, अगर एटी जीरो हो जाए तो फाई विल बी 90 डिग्री, जो इस केस में आएगा। अगर ये सर्कल है तो इसका एक्सेलरेशन टोटल इधर आ जाएगा वेलोसिटी पर नॉर्मल, फाइव 90 डिग्री एक्सेलरेशन टोटल इज टुवर्ड सेंटर। सो दीज आर मेन फार्मूला विच कैन बी यूज टू कैलकुलेट नेट एक्सेलरेशन, इट्स मैग्नीट्यूड। नाउ वी शैल डिस्कस सर्टेन एग्जांपल्स।